डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पेज नंबर 103 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है। इसमें बताना है कि क्या क्या होते हैं ये, और इससे इसकी चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है हमारा मोशन से रिलेटेड है, और ये है क्लास 9 की किताब से। इसका कंप्लीट वन शॉट वीडियो मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो चीज़ होती है जब हमारी वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, क्या होता है कि वेलोसिटी जब चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो अगर वेलोसिटी का जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है इक्वल अमाउंट में, यानी अगर वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म रेट के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा नहीं है, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है, अन इक्वल अमाउंट से बाय इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि वो जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो होता है स्ट्रेट लाइन में, और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो होता है वो कर्व में होता है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। और इसके बाद हम दो क्वेश्चन और देखेंगे इसी पेज नंबर 103 से, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या इसी चैप्टर से कोई और भी सवाल हो, मिलता जुलता या कैसा भी सवाल हो, तो मुझे कमेंट करके किसी भी वीडियो में बताएं, ताकि मैं उस कमेंट का जवाब जल्द से जल्द दे सकूं।